I should release. वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। आदि को लेके लाइब्रेरी आई हूँ। यहाँ पे आदि के लिए कुछ एक्टिविटी होगा। एक फ्रेंड ने बताया कि 0 to 3 years बच्चे के लिए यहाँ पे मुंह कैसे बना रहा है, 0 to 3 years बच्चे के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज हो रहा है, इसलिए आदि को लेके आई हूँ मैं। आदि इतना रोया एक सेशन के बाद, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। सेकंड सेशन ज्वाइन नहीं किया। बाहर घुमा रहा था आदि को, सोचा कि आदि शायद ठीक हो जाए, रोना बंद हो जाए, उसके बाद उसको लेके जाऊँगी, बट इतना रोया कि हुआ नहीं। अभी घर जा रही हूँ। बदमाशी करके चला आया, क्लास ज्वाइन नहीं किया, आके उसका स्माइल निकल रहा है। बर्मिंगहम लाइब्रेरी पे 0 to 5 year बच्चों के लिए स्टोरी टाइम राइम टाइम है, बट अभी समर वेकेशन की वजह से राइम टाइम जो है वो नहीं हो रहा है, बट स्टोरी टाइम चल रहा है वीकली, एक दिन सैटरडे को हो रहा है 11:30 बजे। और जो राइम टाइम था वो 2 दिन हो रहा था वीकली, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को। उसके बाद राइम के बाद स्टे एंड प्ले 1 hour का था, बहुत सारे टॉयज था, बच्चे वहीं पर खेलते हैं 1 hour के लिए। वो अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चों थोड़ा सोशलाइज होंगे, ये अच्छा है, बट अभी समर वेकेशन के वजह से बंद चल रहा है। फिर से स्टार्ट होगा जब स्कूल सारे स्टार्ट होगा, तो वो भी स्टार्ट होगा। आ गया है मेरा तेमू का ऑर्डर। लाइब्रेरी से आके जैसे देखा कि पार्सल आ गया है, मैं एक्साइटेड होके खोलने लग गई हूँ। तेमू से मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया हूँ, क्योंकि मुझे कितना अच्छा क्वालिटी का सामान आएगा पता नहीं था, इसलिए छोटे छोटे चीज़ ऑर्डर किया हूँ। दिखाती हूँ क्या ऑर्डर किया हूँ। ये है माउस पैड, ये 53 का चाहिए, इसलिए ये एक ऑर्डर किया हूँ ब्लैक कलर का। देन ये टूथब्रश होल्डर, ट्रैवल करने के टाइम ज़्यादा देर इसको यूज़ करेंगे, बट मैं घर पर भी यूज़ करूँगी। ये मुझे अच्छा लगा, स्माइली दिख रहा था, इसलिए ये ऑर्डर किया हूँ। पेस्ट ब्रश वगैरह इसके अंदर डाल के ना इजीली ले सकते हैं, क्यूट लग रहा है ना। देन ये आदि के लिए एक गेम बोर्ड, जो क्रॉस एंड सर्कल सर्कल जो हम लोग पेन एंड पेपर पे खेलते थे छोटे के टाइम। देन ये एक वो जो हेयर कटिंग के लिए काम है, और एक ड्रेस ये मैं ऑर्डर किया हूँ। इसका क्वालिटी मुझे पता नहीं था, बट देखती हूँ, क्वालिटी इतना भी अच्छा नहीं है, पोर क्वालिटी है, बट लुक अच्छा लग रहा है, क्वालिटी पोर है कपड़ा का, बट एसेसरीज ठीक है। एंड ये एक मैंने जो केबल होल्डर और ये चूड़ी का सेट, ये थोड़ा बड़ा सा आया है, बट मुझे ये वाला टॉय ना रिजनेबल प्राइस लगा, और आदि के लिए अच्छा भी लग रहा है, ये खेलेगा पजल करेगा। ओवरऑल एसेसरीज के लिए तेमू ठीक है, बट कपड़ा का क्वालिटी ठीक ठाक नहीं है, वेरी लो क्वालिटी का कपड़ा है, इसलिए एसेसरीज ही ठीक है तेमू से ऑर्डर करने के लिए। चाय का टाइम हो गया है, इसलिए मैं एक गैस पे चाय बिठा दिया हूँ और दूसरे गैस पे फ्राइज फ्राई कर रही हूँ। तपन की एक फ्रेंड आए हैं, उनका कुछ काम है, वो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। हो गया मेरा फ्राई। अभी थोड़ा सा मैं ना बिस्किट और कुकीज़ और थोड़ा सा नमकीन दे रही हूँ, और ये फ्राइज चाय के साथ। आदि भी सोया है, मैं आराम से चाय पी लूँगी, उसके बाद उसको उठा के खिला के फिर मेरा जो ड्यूटी है पार्क लेना वही करूँगी। देन यहाँ पे मेरा चाय के लिए स्नैक्स रेडी है। सो गाइस, मैं आदि को लेके स्टेयर पे आ गई हूँ, कॉरिडोर एंड स्टेयर पे वो खेलेगा, उसका पार्क जाने का टाइम हो गया है। और आज ना मुझे मन नहीं है कि रोज रोज पार्क जाना, सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट लूँगी। तपन का मीटिंग 15-20 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, वो और उनके फ्रेंड मीटिंग पे बिजी है, मीटिंग ख़त्म हो जाए फिर आके आदि को लेके जाएंगे। अभी आदि रो रहा था,
उसको जाना था पार्क पे और मैं क्यों उस टेयर पे लेके आई हूँ। चलिए चाय बनाने का टाइम ही आदि उठ गया था। खास के खांसी पता नहीं क्यों 3-4 दिन से हो रहा है, रात को भी हो रहा है, जब भी सोता है तभी हो रहा है, ड्राइनेस के वजह से या कुछ पता नहीं। डॉक्टर को दिखाने जाएंगे और दिन पे तो मैं विंडो खोल के रखती हूँ, फिर भी कैसे ड्राइनेस होता है पता नहीं, बट खांसता है। देन यहाँ पे मेरा रोटी मैंने गूंद के रख दिया है और मटर और जो पनीर का सब्जी है, ये हमारा डिनर की मेनू है, वही चल रहा है बनाना। यहाँ पे मैंने रोटी को गोल गोल करके रख दिया है, सब्जी तो बन गया है, सिर्फ रोटी बनाऊंगी। ऑपरेशन स्ट्रीट पापा किम, ऑपरेशन स्ट्रीट आदि, लुक यू आर लुकिंग हैंडसम आदि, सी आदि, लुक दिस चाइल्ड, लुक लुक टू मामा, लुक टू मामा, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज, आई सेड रिलीज, आई सेड रिलीज, या वेरी गुड। नेक्स्ट डे है गाइस और हम लोग आदि को लेके NHS जा रहे हैं, जो कल बोल रही थी कि खांसी हो रहा है, डॉक्टर दिखाना है, इस वजह से ही जा रहे हैं NHS, पता चले क्या रीज़न है खांसने का, इसलिए मेट्रो से उतर के हम लोग जा रहे हैं NHS। चलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं मैं आप लोग को बोलती हूँ। यहाँ पे चल रहा है आदि का टेम्परेचर है या नहीं चेक, और हाइट वेट भी वहीं पे सामने पे है, खुद यहाँ पे जाके ना आप चेक कर सकते हैं। हम लोग इंडिया पे जैसे नहीं डॉक्टर चेक करेंगे ऐसे नहीं, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, जैसे BP भी आप खुद चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे तपन भी BP चेक कर रहे हैं आदि के बाद, उन्होंने खुद चेक करने लग गए हैं और ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाएगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आपका कितना हाइट वेट चाहिए जो वगैरह, आप रीडिंग पे ही चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे रीडिंग आ गया है, NHS से ख़त्म होने के बाद ना हम सिटी सेंटर जा रहे हैं। NHS पे हमारा अपॉइंटमेंट था 11:30 को और सारे काम हमारा चेकअप आदि का हो गया था 11:50 को, इसलिए हम लोग सोचे कि जल्दी हो गया काम, चलो थोड़ा सिटी सेंटर से घूम के आएंगे और कुछ शॉपिंग करना है तो थोड़ा शॉपिंग भी कर लेंगे। प्राइमार्क आए हैं, ऐसे प्रॉपर शॉपिंग करने का कुछ प्लान नहीं है, कुछ पसंद आ जाए तो वही ले लेंगे। आदि के सेक्शन आए हैं किड सेक्शन, आदि के लिए सोच रही हूँ थोड़ा 2-3 टी शर्ट डेली यूज़ के लिए घर के लिए ले लूँगी। देन वहीं पे देख रही थी और दो भी मुझे पसंद आया और ले लिया। देन ये दोनों को ना मैं यहाँ पे बिठा के, ये लोग गेम पे बिजी है और मैं थोड़ा लेडीज़ सेक्शन पे देखती हूँ, कुछ पसंद आ जाए तो मुझे, इस वजह से ये दोनों को यहाँ पे मैंने एंगेज करके मैं जा रही हूँ लेडीज सेक्शन। नेक्स्ट वीक शायद अपॉइंटमेंट है, फिर आएंगे हम लोग, और हम लोग का हो गया था जल्दी इसलिए हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने आ गए हैं प्राइमार्क में है, और यहाँ पे आदि खेल रहा है गेम। सी आदि, सी हाउ आर यू आदि, डू यू वांट टू प्ले? ओके, प्राइमर के बाद ना हम लोग स्पोर्ट डायरेक्ट जा रहे हैं आदि का शू के लिए, कुछ दिन से ढूंढ रहे हैं थोड़ा लाइट वेट वाला, बट आदि की पैर का हिसाब से मिल नहीं रहा है, शायद यहाँ पे मिल जाए, वो खेलने के लिए ना थोड़ा लाइट वेट वाला कंफर्टेबल है, इस वजह से वही शू ढूंढ रही हूँ बहुत दिन से, बट सामने नहीं आ रहा है, बट उसके साइज़ के हिसाब से, उसका जो पैर का साइज है उसके हिसाब से 9 है, बट यहाँ पे ना शू चेक करते हैं कितना साइज लगता है, तपन सोचे कि चलो और एक बार चेक कर लेते हैं उसका पैर का।
पैर भी ठीक से मेजर कर नहीं दे रहा है, रो रहा है। और ये ग्रे कलर का सू ना मुझे पसंद आया है, थोड़ा सा बड़ा सोच रही हूँ कि लेके जाऊँगी, क्योंकि 1-2 महीने के बाद ना छोटा हो रहा है, इस वजह से तो सोच रही हूँ कि बड़ा सा लेके जाऊँ। बट आदि ने पैर मेजर भी नहीं किया और पहन भी नहीं रहा है, इसलिए तपन वो लेके चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे। सेंटर से पहुंच के आदि को चेंज करके मैं फ्रेश होने चली गई थी, उसके अंदर आदि खेल रहा था। और ये पौधे को मैंने सनलाइट की वजह से विंडो की ग्लास के साइड रखा था, इसका हाथ नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे करके वो ऊपर से लेके पूरा मिट्टी जो सारे फैला दिया है और जो पौधे था उसको तोड़ दिया है। देखिए कैसे हालत किया है मेरे पौधे का। हेलो गाइस, शॉपिंग करके आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं। प्राइमर गए थे शॉपिंग करने, उसके बाद स्पॉट डायरेक्ट भी गए थे आदि के शूज़ के लिए, बट शूज़ तो उसका नहीं पसंद आया, मतलब जो एक पसंद था ग्रे कलर का, बट आदि वो पहन के रो रहा था तो हम लोग शू नहीं लाए। बट तपन का एक जैकेट पसंद आया उनको तो वही लेके आई हूँ, और आदि के लिए प्राइमर से ड्रेस 2 टी शर्ट ऐसे घर पे डेली यूज़ करने के लिए लेके आई हूँ, वही दिखाती हूँ। और ये जो तपन का जो जैकेट वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। ऐसे एक ये आदि का ऐसे नॉर्मल टी शर्ट ब्लू कलर का, और एक ये वाला डॉल्फिन वाला। और ये 2 शर्ट लाए थे आदि के लिए और अपन के लिए ये वाला जैकेट, ये फ्रंट एंड बैक साइड, ये शर्ट की तरह है, शर्ट एंड जैकेट बहुत ही काम कर सकता है। और इस पे हुडी भी है ऐसे, और ये बहुत ही गर्मी होने वाला है, अंदर पूरा ऊल जैसे है। 2-3 कलर था बट ये वाला कलर तो अपन को अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा, बस लेके आ गए हैं। ये थी हमारी आज की शॉपिंग। अभी मैं बनाऊंगी नारियल वाला स्टफिंग डाल के जो पराठा बनाते हैं, बहुत दिन से नहीं बनाया तो अपन बोले कि उसको बना लो। और यहाँ का जो सुपरमार्केट का नारियल है वो तो ऑयली स्मेल करता है, मैं यूज नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा लाती नहीं हूँ, जब भी इंडियन स्टोर जाती हूँ वहाँ से लेके आती हूँ। और एक फ्रेंड गए थे तो उनको बोली थी कि थोड़ा नारियल लेके आओ, वो लोग लेके आए हैं, वही नारियल है, उसको ही आज पराठा बनाऊंगी। तपन का जो जैकेट ना 70% डिस्काउंट था, अभी समर चल रहा है इसलिए विंटर का जो कलेक्शन है उस पर बहुत डिस्काउंट चल रहा है। ये अच्छा है कि समर का सामान विंटर पे परचेज करो और विंटर का समर पे, इसलिए हमें ना अच्छा खासा डिस्काउंट मिला जैकेट पे। मैं जब छोटी थी बहुत खाया था ये पराठा, घर पे जिस दिन भी नॉर्मल पराठा होता था मेरे लिए ये वाला पराठा होता था। नॉर्मल पराठा इतना मीठा नहीं है और इस पे मम्मी थोड़ा ज़्यादा शुगर ऐड करके मेरे लिए बनाते थे। मैं बहुत खाया हूँ और हमारे घर पे नारियल का पेड़ बहुत सारे है, इसलिए ना घर पे सारे टाइम नारियल अवेलेबल रहता है। और ये वाला पराठा ईजी भी होता है, जैसे रोटी बनता है बस रोटी की तरह बना के नारियल एंड चीनी का स्टफिंग डाल के, फिर घी नहीं तो ऑयल आपका पसंद जिस पे करे थोड़ा डाल के फ्राई कर देने से ये बन जाता है पराठा। और ये मुझे गर्म पसंद नहीं है, ठंडा होने के बाद इसे खाने से ना वो जो शुगर का सीरा निकलता है वो मुझे बहुत पसंद है, तब मुझे टेस्ट लगता है। अभी तो शाम जल्दी हो रहा है इसलिए मैं इवनिंग का जो भी खाना है थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो डिनर और इवनिंग का स्नैक्स दोनों एट ए टाइम हो जाएगा। यहाँ पे बन गया है मेरा गर्मा गर्म पराठा। और हमारा जो सोफ़ा का पोजीशन है 3-4 दिन के बाद एक जगह से दूसरे जगह चेंज होता है, तपन का पसंद नहीं है, 3-4 दिन के बाद इस साइड से लेके उस साइड रखते हैं और एक ग्लास के साइड रख दिए हैं। आज सुबह ही उठ के बोले कि सोफ़ा का पोजीशन कुछ दिन से चेंज नहीं हुआ है, मैं चेंज कर देता हूँ बोल के ग्लास के साइड रख दिए हैं। चलिए बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक आपके बहुत सारा ध्यान रखिए, मुस्कुराए, बाय बाय।